नमस्कार प्यारे बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे, क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आप लोगों ने बड़ों से सुना होगा बच्चों कि आजकल द सीक्रेट मूवी देख रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं। तो मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ कि बच्चों के लिए क्यों नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द सीक्रेट को समझाया जाए, बच्चों के लिए क्यों नहीं ये लाया जाए। क्योंकि जब मैं बच्ची थी तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता था, और 12-13 साल के होते होते मैं बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स में जाने लगी। तो इस क्रिसमस पे बच्चों के लिए ये उपहार मैंने सोचा दिया जाए उन्हें, कि छोटे बच्चों से, बचपन से ही हम अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, मैनिफेस्टेशन और इन सब चीज़ों के लॉ समझने लगें तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो, फ्रीडम वाली हो, हैप्पीनेस वाली हो, जॉयफुल लाइफ हो हमारी, तो हम लोग खुश रहें बचपन से ही। आप लोग बचपन से खुश तो होते ही हो, पर धीरे धीरे जैसे जैसे स्कूल जाने लगते हैं, एट ईयर्स के हो जाते हैं, 9 ईयर्स के हो जाते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं और गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन आने लगता है। तो इस क्रिसमस पे शुरुआत करते हैं कि जीसस क्राइस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या कहते थे। उन्होंने ये शब्द तो यूज़ नहीं करा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो उनके सर्मन्स हैं, वो सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आसपास ही घूमते हैं। उन्होंने जीवन में प्यार फैलाया, लोगों को हील करा, लोगों को संदेश दिए मीठे मीठे, प्यारे प्यारे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जीसस के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्रिसमस का टाइम आ रहा है, जीसस क्राइस्ट पैदा होने वाले हैं और उनके जन्मदिन के अवसर पे हम भी एक नई शुरुआत करें अपने जीवन की, कि हम सीखें कि हम बचपन से ही कैसे कैसे पॉजिटिव थॉट्स रख के हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सिंपल बातों में कहूँ कि हम जो जीवन में चाहते हैं वो कैसे प्राप्त करें। तो बच्चों, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं जीवन में, बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हो मिलें आपको, पढ़ाई में सक्सेस मिले, आपके अच्छे दोस्त हों, आपको अप्रिशिएट करें, आपसे प्यार करें, तो यही तो हम सब चाहते हैं जीवन में। तो जीसस क्राइस्ट ने हमें जो संदेश दिया था वो प्यार का संदेश दिया था और फॉरगिवनेस का। तो लव एंड फॉरगिवनेस, ये दो अभिन्न पार्ट हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। कि कोई हमें अगर हर्ट करता है, कोई हमें तकलीफ़ देता है, कोई हमें डांटता है, चाहे वो माता पिता हों या टीचर्स हों, तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, माफ़ करना, छोड़ देना। तो जीसस क्राइस्ट का एक ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जब आप फॉरगिव करते हैं, जब आप माफ़ करते हैं, तो आप हल्के हो जाते हैं। क्योंकि अगर माता पिता आपको डांटते हैं तो आपके भले के लिए डांट रहे होते हैं, और टीचर्स आपको डांट रही हैं तो भले के लिए डांटती हैं। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें उस समय दिखाई नहीं देता कि वो हमारे भलाई के लिए है, हम अंदर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, इरिटेट होते हैं, नाराज़ रहते हैं। तो ये सारे इमोशंस जो होते हैं, नेगेटिव इमोशंस जो हम कैरी कर लेते हैं अपने अंदर, वो हमें ही नुकसान देते हैं आगे बढ़कर, वो आगे बढ़कर हमारे को सोचने, समझने और पॉजिटिव रहने की क्षमता हमसे छीन लेते हैं। तो जीसस क्राइस्ट का ये बहुत प्यारा संदेश है कि क्षमा करें, माफ़ी दें। क्षमा बहुत बड़ा हमारा एक वेपन है, एक हथियार है, जिसे हम जीवन में जब भी अप्लाई करेंगे वो हमें आगे की तरह लेके जाएगा। क्योंकि हमारा मन खाली हो जाएगा, नहीं तो हम गुस्से से, इरिटेशन से, रिजेंटमेंट से उसको भर देते हैं अपने मन को, अपने माइंड को, और उबलते रहते हैं सोच सोच के। वो तो इंसिडेंट हो चुका, पास्ट में चला गया, जैसे किसी ने डांटा उस समय हम रोए और वो ख़त्म। पर वो जो इमोशन हम कैरी करते रहते हैं वो हमें तकलीफ़ देता है। तो उस तकलीफ़ से बचने के लिए अच्छा है कि अपने मन की सफाई करते रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही कोई हमें डांटे, हम उसे माफ़ करें, क्षमा करें और जीवन में आगे बढ़ें। तो बच्चों, इससे आप हल्के रहोगे, स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, मस्त रहोगे। दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जीवन में जॉयफुल रहना, खुश रहना। तो जब आप जीवन में खुश रहते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें, अच्छे इंसिडेंट्स, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त, अच्छा स्कूल अट्रैक्ट करते हैं। तो जीवन में जॉयफुल रहना,
और अपने जीवन के प्रति एक कृतज्ञता का भाव रखना कि जो भी भगवान ने दिया है वो हमें बहुत अच्छा दिया है। मेरे माता पिता द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, तो अपने माता पिता के लिए एक्नॉलेजमेंट होना बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है। कृतज्ञता का भाव, थैंकफुलनेस कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कमा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। तो जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा है जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा। तो जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा का मतलब क्या है? जब आप एक्नॉलेजमेंट और एप्रिसिएशन में होते हो कि हमारे पास ये सब है, तो हम एनर्जी हमारी बढ़ती है, हम अबंडेंस की एनर्जी में जीते हैं, हम वेलनेस की एनर्जी में जीते हैं, हम हैप्पीनेस की एनर्जी में जीते हैं। क्योंकि आपको हर समय ध्यान देते हैं आप कि जो कुछ भी आपके पास है, माता पिता का साथ है, दोस्तों का साथ है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा घर है, तो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट फॉर गिविंग मी अबंडेंस। तो ये भाव बच्चों दो आपने याद रखने हैं, फॉरगिवनेस और थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड जिसे हम कहते हैं। तो ग्रैटिट्यूड का भाव आपने अपने दिल में रखना है। ग्रैटिट्यूड रखने से जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है, आपको और मिलता है। तो ये संदेश जो है जीसस क्राइस्ट का आप लोगों के लिए है, और ये बहुत ही वैलिड है आज के समय में। बचपन से अगर हम ग्रैटिट्यूड और क्षमा के भाव को तवज्जो देने लगेंगे तो हमारी लाइफ आने वाला समय कितना शांत, पीसफुल और हैप्पीनेस से भरा होगा। और मैं ये सोचती हूँ काश ये चीज़ें बचपन में हमें समझाई जाती, हमें बताई जाती कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे कनेक्टेड हैं। तो वो बचपन में जो रिजेंटमेंट, जो गुस्सा, कई टीचर्स के प्रति गुस्सा रहा है जब उन्होंने डांटा, तो वो गुस्सा नहीं रहता क्योंकि तब हम सोचते कि जो भी उस टीचर ने उस समय किया वो हमारे भले के लिए किया था। चाहे वो मैथ्स की टीचर ने क्लास में झाड़ लगाई हो कि आपने होमवर्क क्यों नहीं करा, पर टीचर का मकसद तो यही था कि मैं मैथ्स में अच्छे नंबर लाऊं, या मम्मी ने डांटा कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, मोबाइल में क्यों लगते हो। प्यारे बच्चों, आपके माता पिता टीचर्स आपकी भलाई चाहते हैं, तो अगर आपको डांट भी पड़ रही है तो उसके पीछे उनका मोटिव क्या है? हम अक्सर शब्दों को पकड़ते हैं पर शब्दों के पीछे इंटेंशन जो है वो बहुत काउंट करती है। तो ये अवेयरनेस हमें रहे कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे माता पिता हैं, तो जो हमारे एडल्ट्स हमारे आसपास हैं वो हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हमें ज्ञान देना चाहते हैं ताकि हम आगे बढ़ के अपने पाँव पे खड़े हो सकें, हम अच्छा कमा सकें, अच्छी हमारी जो है सक्सेसफुल रहें लाइफ में। तो अगर किसी टीचर ने डांट दिया है तो हम अक्सर खुंदक खाने लगते हैं उस टीचर से, उनके सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं, जबकि टीचर का कोई पर्सनल एजेंडा तो हमारे खिलाफ है ही नहीं। टीचर्स तो सब बच्चों को बराबर प्यार करती हैं, पर टीचर चाहती हैं कि जो बच्चे कम नंबर लाते हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। तो बच्चों ये क्षमा का भाव रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके मन में एक कचरे की तरह से ये थॉट्स एंड इमोशंस बढ़ते जाएंगे। हमारा मन एक, इसे कह सकते हो ये इसको डस्टबिन बनाना है या इसमें हमने गुलाब खिलाना है, तो ये एक पॉट है, ऐसा समझिए हमारा माइंड एक पॉट है। यही पॉट डस्टबिन का काम भी कर सकता है और यही पॉट जो है एक फ्लावर का काम भी कर सकता है। तो अगर हमें इसमें फ्लावर उगाने हैं, रोजेज उगाने हैं, तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, फॉरगिवनेस क्षमा और ग्रैटिट्यूड धन्यवाद का भाव, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो अगर हम अपने इस पॉट के अंदर, इस गमले के अंदर अगर हमने ग्रैटिट्यूड डाला, अगर इसने हमने क्षमा डाली, तो हमारी पर्सनालिटी बहुत ही ब्यूटीफुल और फुलफिलिंग होगी। लोग हमें पसंद करेंगे, हम पॉजिटिव होंगे और हर जगह हम एक प्रेम अट्रैक्ट करेंगे। एक व्यक्ति बहुत जल्दी जो क्षमा कर देता है, एक व्यक्ति जो हर समय ग्रैटिट्यूड में रहता है, वो हर समय खुश रहता है, मस्त रहता है और जीवन में उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा काम करता है।
वो जो मांगता है उसे जल्दी मिलता है जीवन में। तो इन दो डिस्टिंक्शंस पे आपने काम करना है। आप एक लिस्ट बनाइए अपने कागज़ पे, कॉपी पे लिखिए कि किन किन लोगों से आपको नाराज़गी है। वो टीचर है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, किसी ने कभी टोक दिया हो आपको किसी चीज़ के लिए और आपको बुरा लगा हो, तो इन सब चीज़ों की आपने लिस्ट बनानी है। और एक एक व्यक्ति को आपने बोला मैं उसको क्षमा करता हूँ, मैं आई फॉरगिव, तो ये ज़रूर करना है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी लाइफ में उतनी जल्दी सक्सेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी। तो बच्चों इस क्रिसमस को खूब इंजॉय करें और इस नए साल में एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस और जॉय की एक नई शुरुआत करें, एक सक्सेसफुल लाइफ का आगाज़ करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं माता पिता को भी और आप लोगों को भी। धन्यवाद, शुक्रिया।